हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल रिएक्शन के बारे में जिसे हम गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण के नाम से जानते हैं। दो रिएक्शन हैं जिसमें से आज एक पर हम बात करेंगे जो कि आपकी गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण है। एक रिएक्शन इसी से सिमिलर है लगभग, जिसे हम गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दो रिएक्शन हैं जिनमें से एक के बारे में आज बात करेंगे जो कि आपकी गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। अच्छा, तो अब इसमें होता क्या है, या आपसे अगर पूछा जाए कि ये आपके रिएक्शन कैसे आप इसको बताएंगे, तो इसमें से आपको क्या करना होता है कि जो आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है वो लेना है जो कि उत्प्रेरक का काम करेगा, और उच्च दाब पर रिएक्शन करानी है। किसकी? बेंजीन की रिएक्शन करानी है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड और उच्च दाब के माध्यम से कराएंगे, तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो होगा आपका बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन होगी। अब इसमें से क्या होता है, रिएक्शन के रूप में देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेंजीन का फार्मूला। तो ये आपका हो गया C6H6। एरोमेटिक केस में आप इस तरीके से बेंजीन को दिखा सकते हैं। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका हुआ बेंजीन। ठीक है, तो ये बेंजीन हुआ। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है CO। तो ये हो गया आपका CO। इसके बाद में HCl, यानी कि CO और HCl का यहाँ पर एज ए रिजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, और उत्प्रेरक के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा एनहाइड्रस, एनहाइड्रस और एनहाइड्रस आपका AlCl3 होगा, AlCl3, और हाई प्रेशर होगा। ठीक है, हाई प्रेशर होगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो आपका होगा बेंजाल्डिहाइड। तो ये आपका बेंजाल्डिहाइड का फार्मूला, जिसको हम स्ट्रक्चरल रूप में इस तरीके से दिखा सकते हैं। और अगर आणविक रूप में देखा जाए तो C6H5CHO हो जाएगा, और यहाँ पर एक अणु HCl का प्राप्त होगा। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है ये आपका बेंजाल्डिहाइड है। तो इसका नाम है बेंजाल्डिहाइड है। तो यही आपको बनाना था। तो इस रिएक्शन में मेन उत्पाद यही होगा। अब हम अगर बात करें कि इसी रिएक्शन में और क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसमें से आपको क्या करना है,